वर्ड्स या डायग्राफ्स पढ़ते हैं तो वो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, यानी ज्यादा लेटर वाले वर्ड्स होते हैं, बड़े स्पेलिंग वाले वर्ड्स होते हैं। पिक्चर देखकर बच्चे पढ़ लेते हैं, बट विदाउट पिक्चर उनके लिए रीडिंग मुश्किल होती है। तो एक तरह से रीडिंग सिखाने के लिए आफ्टर 3 लेटर वर्ड्स 4 लेटर वर्ड्स अगर आप इंट्रोड्यूस करें तो बहुत अच्छा होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स। कैसे हैं आप सब? आज देखेंगे सी सी वी सी वर्ड्स और सी वी सी सी वर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है, ये कौन से वर्ड्स होते हैं। इनिशियली जब बच्चे लेटर की फोनिक्स सीखते हैं, फिर वावल्स के बारे में वो सीखते हैं, वी हैव 5 वावल्स, उसके बाद जो सी वी सी वर्ड्स 3 लेटर वर्ड्स सीखते हैं उसमें अगर आप देखो तो बीच में वावल होता है, यानी जो वर्ड्स वो पढ़ते हैं ना, जैसे कि सी ए टी कैट या फिर SIT सिट, जो बीच में वावल होता है, तो कॉन्सनेंट और वावल को या वावल और कॉन्सनेंट को मिलाकर कैसे पढ़ना है वो सीखते हैं। जैसे कि क ए कै कॉन्सनेंट एंड वावल, या फिर ए टी एट वावल एंड कॉन्सनेंट, इसी तरह से SIC ये हो गया कॉन्सनेंट एंड वावल, या फिर IT इट वावल एंड कॉन्सनेंट। बट सी सी वी सी वर्ड्स में और सी वी सी सी वर्ड्स में अगर आप देखो तो कॉन्सनेंट कॉन्सनेंट दो कॉन्सनेंट्स को किस तरह से मिला के पढ़ना है, और उसको ब्लेंड करने के बाद उसको अगेन वावल के साथ किस तरह से ब्लेंड करना है ये बच्चे सीखते हैं। यहाँ पर एक ही कॉन्सनेंट है विथ वावल, यहाँ पे मिलेंगे दो कॉन्सनेंट्स विथ वावल। इसी तरह से ये इनिशियल में है कॉन्सनेंट की ब्लेंडिंग सी सी, और सी वी सी सी पैटर्न में जो कॉन्सनेंट की ब्लेंडिंग है दो कॉन्सनेंट से वो एंड में आएंगे, इसीलिए इन वर्ड्स को इनिशियल ब्लेंडिंग वर्ड्स भी कहा जाता है और इन वर्ड्स को कहा जाता है फाइनल ब्लेंडिंग वर्ड्स। वैसे ये 4 लेटर वर्ड्स होते हैं, सी सी वी सी एंड सी वी सी सी 4 लेटर वर्ड्स होते हैं। जैसे सी वी सी को 3 लेटर वर्ड्स कहा जाता है ना, ये 4 लेटर वर्ड्स होते हैं। 3 लेटर वर्ड्स के बाद आप अगर ये पढ़ाएंगे तो बच्चे रीडिंग की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो 4 लेटर वर्ड्स पढ़ रहे हैं, मतलब थोड़ा सा बड़ा वर्ड वो पढ़ना सीख रहे हैं। सी सी वी सी वर्ड्स में जो बिगनिंग ब्लेंडिंग होती है वो हम सीनियर किंडरगार्टन में बच्चों को सिखाते हैं, वो अपनी बुक के थ्रू सीखते हैं स्कूल में, बट सी वी सी सी वर्ड्स ज्यादा पढ़ाए नहीं जाते। मैंने कैसे इन वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया है और किस बुक के थ्रू इंट्रोड्यूस किया है वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। चलिए पहले लिस्ट देख लेते हैं। सी सी वी सी वर्ड लिस्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं। सी सी वी सी में जो इनिशियल दो कॉन्सनेंट्स आप देख रहे हैं सी सी, वो कुछ इस तरह के दिखेंगे जो मैंने ऑरेंज में हाईलाइट किया है। बी एल बी आर सी एल सी आर, दो दो कॉन्सनेंट्स, बी एल दो कॉन्सनेंट है, देन वावल है, देन कॉन्सनेंट है, ये सारे 4 लेटर वर्ड्स है सी सी वी सी पैटर्न में। और जो ये सी सी इनिशियल ब्लेंडिंग आप देख रहे हैं ना, बी एल सी एल एफ एल जी एल बी आर सी आर डी आर एफ आर और एस लेटर के साथ जो SC SK या फिर जो डायग्राफ है CH SH TH, ये बच्चे सीनियर किंडरगार्टन में सीखते हैं, आपने देखा होगा उनकी किताबों में, बट वहां पर लिटिल बिट बिगर वर्ड्स होते हैं विथ पिक्चर्स, और क्योंकि पिक्चर है बच्चे वहां पे पढ़ लेते हैं। बट अगर आप 4 लेटर वर्ड्स के साथ इस तरह से स्टार्ट करेंगे ना, तो दे विल नो हाउ टू ब्लेंड 4 साउंड्स। बी एल ब्ल ये वो ब्लेंड करेंगे, देन लेटर वावल ओ के साथ वो ब्ल ओ ब्लॉग ब्लॉग, इस तरह से वो 3 लेटर वर्ड्स के बाद थोड़ा आगे जाएंगे 4 लेटर वर्ड्स पढ़ना सीखेंगे। ये होते हैं सी सी वी सी वर्ड्स, ये वर्ड लिस्ट, और सी सी जो पैटर्न है जो इनिशियल ब्लेंडिंग है वो कुछ इस तरह की होती है जो मैंने ऑरेंज में हाईलाइट किया है, ये बच्चे सीनियर किंडरगार्टन में सीखते हैं। कमिंग टू सी वी सी सी वर्ड्स, इसमें जो सी सी एंड में आ रहा है ये होते हैं कुछ इस तरह के जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया है। इनिशियल ब्लेंडिंग वाले वर्ड सी सी वी सी वर्ड्स हर बच्चा सीखता है अपने सीनियर किंडरगार्टन में, बट सी वी सी सी पैटर्न के जो वर्ड्स होते हैं, जो फाइनल ब्लेंडिंग वाले साउंड होते हैं, अक्सर उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करते, बच्चे को ज्यादा पढ़ाते नहीं, बट दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो एंडिंग साउंड होती है ये भी बच्चे को पढ़ना आना चाहिए। सो ये एंडिंग साउंड पढ़ाने के लिए 4 लेटर वर्ड्स सी वी सी सी पैटर्न वर्ड्स यूज किया जाता है। अगर आप देखो एनडी एक पैटर्न है, सी सी कॉन्सनेंट एंड कॉन्सनेंट, इसका एक अलग ही साउंड होता है, तो इसको भी सिखाना जरूरी है। ह एंड हैंड, ट एंट टेंट, प ई इंक पिंक, इस तरह से ड अक डक, लॉस्ट लॉस्ट। तो ये जो एस के एल के एल एफ ये आप देख रहे हैं ये फाइनल ब्लेंड्स में आते हैं, और सी वी सी सी वर्ड्स में क्योंकि 4 लेटर्स ही होते हैं तो 4 लेटर वाले ये वर्ड्स है विद फाइनल ब्लेंडिंग साउंड। वैसे ये फाइनल ब्लेंडिंग जो साउंड्स होते हैं एन टी आई एन के सी के, ये वाले हम बच्चे नहीं पढ़ते सीनियर किंडरगार्टन में, बट आप पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। इनको मैंने कैसे पढ़ाया था वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। ये जो मेरी किताब है स्पेलिंग सक्सेस जो मैंने अमेजोन से ली थी,
इसके बारे में आई थिंक मैंने बहुत बार बहुत सारे वीडियोस में बताया है, डिटेल में रिव्यू भी मैंने करके आपको बताया। तो इस बुक के थ्रू ही मैंने मेरे बेटे को ये जो CVCC या CCVC वर्ड पैटर्न है वो पढ़ाए थे, इस बुक में वो भी कवर किए गए हैं। लेट मी शेयर, ये जो इनिशियल ब्लेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे BL BR CL CR, इसके रिलेटेड 4-letter वर्ड्स भी इस बुक में प्रेजेंट है। इस तरह से ब्लू ब्लॉट ब्लू सी 4-letter वर्ड्स ही है ना, इफ यू कैन रिलेट टू इट, सी CCVC, ये 4-letter वर्ड्स है। तो इस तरह से मैंने इस बुक को यूज करते हुए बच्चे को CCVC वर्ड भी पढ़ना सिखाया है, यानी 4-letter वर्ड्स पढ़ना सिखाया है आफ्टर 3-letter वर्ड्स। देन जो ये CVCC पैटर्न वाले वर्ड्स हैं, एंडिंग ब्लेंड्स हैं, ये भी मैंने इसी बुक के थ्रू सिखाया था। इसी में फाइनल ब्लेंडिंग STMP ND FT, तो ये भी वर्ड्स, ये जो फाइनल ब्लेंड्स हैं, ये भी मैंने इसी बुक के थ्रू अपने बच्चे को पढ़ाया था जब वो क्लास 1 में जाने वाला था। और इस बुक को मैंने करीब 1.5-2 साल बहुत यूज किया है, क्योंकि ये बुक बहुत अच्छी है, बहुत सारी चीजें मेरे बेटे ने इसके थ्रू सीखी है, रीडिंग जो होती है ना सब कुछ इसके थ्रू मैंने उसको सिखाया है, बहुत सारी इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स उसने इस बुक के थ्रू सीखी है। सो देखा आपने व्हाट आर CCVC वर्ड्स एंड व्हाट आर CVCC वर्ड। CVC वर्ड्स स्ट्रेट वर्ड हमको 4-letter वर्ड्स भी पढ़ानी चाहिए, और 4-letter वर्ड्स में बच्चे सीखेंगे इनिशियल ब्लेंडिंग, और CVCC जो पैटर्न है इसमें सीखेंगे बच्चे फाइनल ब्लेंडिंग। और कैसे पढ़ाना है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया, आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं कुछ वर्ड्स फ्रॉम गूगल, या फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन वर्ड्स को आप पढ़ना सिखाइए। जब आप अलग अलग तरीके की ब्लेंडिंग सिखाएंगे ना बच्चे को, तो वो जब रीड करेंगे उनको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये था आज का वीडियो अबाउट CVCC वर्ड्स एंड CCVC वर्ड्स जो बच्चे पढ़ेंगे आफ्टर CVC वर्ड्स। CCVC और CVCC वर्ड्स के थ्रू बच्चे जो इनिशियल ब्लेंडिंग है, फाइनल ब्लेंडिंग है, वो वर्ड्स पढ़ना बहुत आसानी से सीखेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ 4-letter होती है, यानी ये 4-letter वर्ड्स हैं। अक्सर अगर आप देखा तो जब बच्चे बिगनिंग ब्लेंडिंग वर्ड्स या डायग्राफ्स पढ़ते हैं तो वो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, यानी ज्यादा लेटर वाले वर्ड्स होते हैं, बड़े स्पेलिंग वाले वर्ड्स होते हैं, पिक्चर देखकर बच्चे पढ़ लेते हैं, बट विदाउट पिक्चर उनके लिए रीडिंग मुश्किल होती है। तो एक तरह से रीडिंग सिखाने के लिए आफ्टर 3-letter वर्ड्स 4-letter वर्ड्स अगर आप इंट्रोड्यूस करें तो बहुत अच्छा होगा। सो ये था आज का वीडियो अबाउट CVC वर्ड्स, CCVC वर्ड्स एंड CVCC वर्ड्स। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, पसंद आया, और पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स, हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स। Give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.